अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओरिजिनल कॉर्ड्स विद तारिक खान। आज जो सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं उसका टाइटल है चेहरा बाय सुहेब हसन। कोक स्टूडियो सीजन 7 में ये गाना रीमेक किया था, और क्योंकि सुहेब हसन का काफ़ी पुराना गाना है ये, और इसको कोक स्टूडियो में जो दोबारा से परफॉर्म किया है, आउट क्लास गाना है और मुझे बहुत पसंद है, बहुत लविंग सॉन्ग है। सो फ्रेंड्स, इस गाने को प्ले करने के लिए टोटल हमें 5 कॉर्ड्स अप्लाई करनी होंगी। जो 5 कॉर्ड्स हैं इस गाने की वो बहुत सिंपल और बहुत इजी हैं, पूरा एक ही लूप पर चला है ये गाना। सो जो फर्स्ट कॉर्ड है इसकी वो है ए मेजर, सेकंड कॉर्ड इज डी मेजर, थर्ड कॉर्ड इज बी माइनर, फोर्थ वन इज ई मेजर, एंड लास्ट वन फिफ्थ इज एफ शार्प माइनर। ये 5 कॉर्ड्स इस पूरे गाने में चलेंगी। अच्छा, गाना जो स्टार्ट होता है वो कुछ इंट्रो वगैरह नहीं है उसका, बस जस्ट एक म्यूज़िक पार्ट आता है और उसके बाद से हम इसको सिंपली कंटिन्यू करेंगे। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं हम गाना वो इस अंदाज में, यहाँ तक इसका कोरस पार्ट कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद जो इसका फर्स्ट वर्स आएगा उसको आप दो अलग अंदाज में प्ले कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि कंप्लीट उसको स्ट्रमिंग पैटर्न पर रखना है तो जस्ट जिस तरीके से मैंने अभी स्ट्रमिंग की थी उसी को कंटिन्यू रखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए तो उसको आप इस तरह से रख सकते हैं। यानी मैं दोनों पैटर्न आपको बता देता हूँ। खुशबू का फूलों से सदियों का रिश्ता है, गीतों का सुर जैसे लय में ढल जाता है। मेरा मन तेरा मन, तेरा मन मेरा मन, यूं ही मिलता है। अब दिल से दिल मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ, और थोड़ा सा मुस्कुराओ। तो ये अगर आपको समझ में आता है तो इस अंदाज को फॉलो करें, और अगर आपने म्यूजिक वाले पार्ट के बाद से स्ट्रमिंग ही कंटिन्यू रखनी है तो उसको आप इस तरह से प्ले कर सकते हैं। ना 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 ना।
चलता है गीतों का सुर जैसे लय में ढल जाता है। तो दोनों अंदाज आपके सामने हैं, जो आपको समझ में आए आप वो फॉलो करें। इसके बाद जो पार्ट आएगा वो गिटार सोलो होगा, अकोस्टिक गिटार का जो सोलो है। देन उसके बाद हमने इसका सेकंड वर्स कंटिन्यू करना है और सेकंड वर्स को भी बिल्कुल हमने इसी पैटर्न पर रखना है, यानी दोनों पैटर्न में से जो आपको अप्रोप्रिएट लगे आप वो अप्लाई कीजिएगा। मैंने बता दिए आपको दोनों अंदाज, सो नेक्स्ट जो वर्स है वो इस अंदाज में। तन्हाई मैं और तुम अनदेखे रस्तों पे, शर्माना घबराना कैसा है अपनों में मेरी जान। ओ मेरा मन तेरा मन यूं ही मिलता है, अब दिल से दिल मिला और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा। लास्ट में बिल्कुल जो गिटार लीड पार्ट आता है आमिर जकी वाला, उसके ऊपर गाना एंड हो जाता है। तो बाकी एंड में जो मैंने अभी ये पार्ट अप्लाई किया है जिसमें मैंने सी मेजर भी अप्लाई किया है, तो अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, वरना अदरवाइज यहीं तक ही रखें गाना जहाँ तक मैंने आपको बताया है। उसमें मैंने जस्ट ये किया है, अच्छा यहाँ तक मुकम्मल हो गया गाना। देन इसका स्ट्रमिंग पैटर्न जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो किस तरह से है, डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन डाउन। पूरे गाने में मैंने तकरीबन यही स्ट्रमिंग पैटर्न अप्लाई किया है, बाकी एक दो जो पार्ट आए हैं उसमें मैंने जस्ट स्मूथ नीचे स्ट्रिंग्स रखी हैं, प्ले की हैं। इस तरह से मैंने जस्ट स्मूथ स्ट्रिंग्स को नीचे नीचे प्ले किया है, बाकी जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपके सामने। इसके अलावा अगर इससे अच्छा स्ट्रमिंग पैटर्न आपको कोई लगता है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस कॉर्ड्स को चेंज मत करिएगा क्योंकि कॉर्ड्स चेंज करने पर पूरा गाना चेंज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये लेसन कि किस तरह से प्ले होगा, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत पसंद आई होगी आपको ये वीडियो। तो अगर ये पसंद आई है आपको वीडियो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
जो गिटार प्ले करने के शौकीन हैं या फिर जो गिटार प्ले करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ हों उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुँच जाएँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक मौजूद हैं, उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, स्टे ब्लेस्ड।